हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका सीटेट 2022 के लिए बातचीत हैशटैग 2 में बहुत बहुत वेलकम है। देखिए, हम लोग बीच बीच में ये सारी बातें करते रहते हैं जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और अगर आप इनमें से किसी भी डाउट से परेशान हैं तो वो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर होते चले। तो देखिए, आज हम जो यहाँ पे पॉइंट करने वाले हैं बातों को, वो आपके 5 पॉइंट हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं कि क्या परीक्षा इस बार बहुत ज़्यादा लोग देंगे, परीक्षा का लेवल क्या कठिन हो जाएगा, तैयारी का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, 120 प्लस लाने का रामबाण उपाय क्या है, साथ में कौन सी अफवाहों से आपको सीटेट 2022 में दूर रहना चाहिए, इन सभी बातों पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आपको सीटेट 2022 देना है। साथ में हमारे चैनल से आप लगातार तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप तैयारी करते रहिए। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या बहुत ज़्यादा लोग इस बार परीक्षा देंगे। तो हाँ, बिल्कुल बात सही है, इस बार परीक्षा जो है बहुत से ज़्यादा लोग देंगे। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये पॉइंट मैंने लिया क्यों। सबसे पहली बात, इस पॉइंट को लेने का कोई तुक ही नहीं बनता है, लेकिन बहुत से लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं, बहुत से लोग देखते भी हैं। इस पॉइंट से हमें मतलब क्या है, सबसे पहली बात अपने माइंड में ये सोचो, परीक्षा 10,000 लोग दें, परीक्षा 10 लाख लोग दें, आपसे क्या मतलब। आपको क्या करना है, केवल अपने से मतलब रखना है। तो अगर सीटेट 2022 का एग्ज़ाम आपको देना है तो केवल और केवल आपके माइंड में एक ही लक्ष्य रहना चाहिए कि मैं अपना 100% अपने एग्ज़ाम के लिए दूंगा और मुझे अपना 100% रिजल्ट चाहिए। मैं पूरी मेहनत करूंगा 2022 में सीटेट के लिए और मुझे अपना रिजल्ट चाहिए। परीक्षा एक लोग दे रहे हैं, परीक्षा दो लोग दे रहे हैं, परीक्षा करोड़ों लोग दे रहे हैं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं भी आप अगर इस प्रकार की न्यूज़ देखते हो कि बहुत ज़्यादा लोग परीक्षा देंगे, तो उस प्रकार के वीडियो को आपको कभी अब आगे देखना नहीं है। क्योंकि अगर आप इस प्रकार के वीडियोस देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपके माइंड में डाउट जरूर है, कहीं ना कहीं आपके माइंड में थोड़ा डर जरूर बैठा हुआ है, अपनी तैयारी पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। इस बात को आप अपने माइंड में सोच लो कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो था कि बहुत ज़्यादा लोग परीक्षा देंगे, तो हाँ देंगे, लेकिन उससे आपका कोई मतलब नहीं है। आपको केवल और केवल अपनी तैयारी पर ध्यान रखना है, अपनी तैयारी 100% करनी है और कुछ ध्यान नहीं देना है। फिर चलिए आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा सामने निकल के आई है कि परीक्षा का लेवल क्या कठिन हो जाएगा। देखो, मैं अगर बताऊं तो परीक्षा का लेवल कठिन नहीं, बल्कि परीक्षा के लेवल कुछ ज़्यादा ही इजी हो जाएगा ऑनलाइन में। आप पिछले क्वेश्चन ऑनलाइन के देख लो, इतना ज़्यादा क्वेश्चन इजी आ रहा है, क्योंकि सीटेट में सीमित चैप्टर हैं और सीटेट में ज़्यादा क्वेश्चन बना ही नहीं सकता है, क्योंकि सीटेट में इंक्लूड हो जाती है पैडागॉजी। जब सीटेट में पैडागॉजी इंक्लूड हो जाती है, तो पैडागॉजी के जब आप 4 ऑप्शन देते हो, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है, तो ये 3 ऑप्शन कहीं ना कहीं आपके पूरी तरीके से निगेटिव दिखने ही लगते हैं। वो आपको समझ आ जाते हैं कि ये वाले हो ही नहीं सकते। तो परीक्षा का लेवल मेरे हिसाब से जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे, उनसे बहुत ज़्यादा हल्के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। आप इतने दिन से मेरे चैनल पर अगर जुड़े हो, मैं आपको प्रीवियस ईयर ऑनलाइन वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप देखते हो, पहले जो ऑफलाइन के क्वेश्चन आते थे, उनको पढ़ना पड़ता था, क्योंकि 15 क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता था। आपका साल में 2 बार परीक्षा होती थी, 15 क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता था, तो बहुत ही तरीके से बनाता था। अब क्या है, इतनी शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं, पहली बात तो वो क्वेश्चन क्या है, रिपीट होने लगते हैं, और क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनर बना रहा है जो आपके डेली वाली लाइफ से जुड़े हुए हैं। चाहे वो आप CDP में देख लो, चाहे हिंदी की पैडागॉजी में देख लो, चाहे EVS की पैडागॉजी में देख लो, चाहे मैथ की पैडागॉजी में देख लो, कुछ भी आप देखो, सिंपल सा आप देखोगे कि आप डेली जो चीज़ें इधर उधर देखते रहते हो, डेली जो आपकी चीज़ें माइंड में आती रहती हैं, डायरेक्ट उन पे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि यहाँ पे फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि उनके आंसर निर्धारित हैं, करोड़ों क्वेश्चन पड़े हुए हैं मार्केट में, कहीं से उठा के GK का क्वेश्चन उठा के दे दिया, कहीं से कुछ भी दे दिया, करंट अफेयर का क्वेश्चन दे दिया और आप नहीं कर पा रहे हो। नहीं, इसके क्वेश्चन बिल्कुल निश्चित हैं, मार्केट में इतने ज़्यादा सीटेट के क्वेश्चन ही नहीं है। आप कितनी भी बुक खरीद लो, कितने भी प्रैक्टिस सेट खरीद लो, उसमें 2011 से लेकर 2022 तक जो भी एग्जाम हुए, उसी से घुमा फिरा के क्या होगा, क्वेश्चन होंगे। तो ज़्यादा क्वेश्चन मार्केट में है भी नहीं, और बनाने वाला भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कह रहा है
ऑनलाइन के नाम पर आपको डरा रहा है कि परीक्षा में अब क्वेश्चन बहुत कठिन होंगे, लेवल बहुत बढ़ गया है, तो पूरी तरीके से आपको पागल बना रहा है। वो आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है कि आप डर जाओ, उससे पढ़ना स्टार्ट कर दो, या फिर कुछ भी, जो भी उसका उद्देश्य है मुझे नहीं पता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं कहना चाहूँगा, परीक्षा का लेवल ऑनलाइन में और ज़्यादा ईजी हो गया है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और चीज़ें मैं आपको कराता हूँ, आप लाइव टेस्ट में आकर देख लो, खुद पता चल जाएगा कि परीक्षा अब कितनी ईजी हो जाती है। CDP के 30 के 30 क्वेश्चन आप कर सकते हो, EVS के 30 के 30 क्वेश्चन कर सकते हो। पहले मैथ्स में तो थोड़ा सा कठिन पूछा जाता था, अब केवल कैलकुलेशन पूछी जाती है मैथ में। तो आप क्या करो, खुद से एक्सपीरियंस करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देखो, आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये वाली पॉइंट जो आपके सामने है कि क्या परीक्षा का लेवल कठिन हो गया, पूरी तरीके से झूठ है। परीक्षा का लेवल कठिन वठिन नहीं हुआ है, परीक्षा का लेवल जो है बहुत अच्छा हो गया है। आप बहुत आसानी से परीक्षा दे सकते हो और 120 प्लस नंबर आसानी से ला सकते हो, अगर आप अभी से लगातार अपने सीटेट एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हो, दिन में 3 से 4 घंटे समय दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। दोबारा इस पे आप कभी भी इस प्रकार के वीडियोस मत देखिएगा, ना ही किसी की बात सुनिएगा कि परीक्षा का लेवल कठिन हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। यहाँ भी एक बात निकल के आती है कि अपनी मेहनत आपको 100% करनी है बस। चलिए अब हम बात करते हैं कि तैयारी का कौन सा तरीका सही रहेगा। देखो मेरे हिसाब से अगर आप दो पार्ट में अपनी तैयारी को बांट रहे हो, कि पहले आप क्या करते हो, थ्योरी को अच्छे से पढ़ रहे हो, उसके नोट्स बना रहे हो, उसके बाद आप एग्जाम के समय क्या कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप आज मेरा कहीं पे ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर सीटेट के लिए स्पेशली मैं ये बात बोलूँ तो देखो, अगर मैं कहूँ कि आप पहले थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, उसके बाद आप थोड़े समय के बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी अपनी क्या करनी है, समाप्त करते हुए चलनी। किस तरीके से, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो उठाइए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, देखिए कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आप कर रहे हो, वो टॉपिक जो जो आपको क्वेश्चन मिलता जा रहा है। जैसे आपसे पूछा गया कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पे डिपेंड है, तो आपका माइंड में एक पॉइंट बन जाना चाहिए कि वाइगोत्स्की के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सिद्धांत, इनका ये सिद्धांत है, वो चीज़ आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। ठीक है, फिर वाइगोत्स्की का कोई क्वेश्चन मिला अगली तरीके से कि इनमें से कौन सा कारक जो है वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपने वहाँ पे वो चीज़ नोट कर ली, तो यहाँ से ये थ्योरी भी आपकी कंप्लीट होती जाए। ऐसा नहीं करना है आपको पहले वाइगोत्स्की की पूरी थ्योरी पढ़नी है, जीन प्याजे के पढ़नी है, अधिगम पूरा पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, फिर जब एग्जाम के 15 दिन रह गए, 20 दिन रह गए, महीना भर रह गए, तब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हो। पढ़ा तो वाइगोत्स्की में आपने 4-5 लाइनों में पूरी उनकी थ्योरी समाप्त हो गई है, और जब क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको बड़ी दिक्कत आ रही है, ये तो सही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं सही हो रहा है, क्योंकि आपने ज़्यादा प्रैक्टिस ही नहीं करी है। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे नहीं तो आप वहाँ पे अच्छा स्कोर कर भी नहीं पाओगे, ये बात आप लिख लो। सीटेट का एक ही मूल मंत्र है, प्रैक्टिस, और ज़्यादा से ज़्यादा आप पिछले साल के क्वेश्चन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नए नए क्वेश्चन करिए, आपका सीटेट 120 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। चाहे आपको थ्योरी अलग से आपने पढ़ी हो ना पढ़ी हो, नोट्स आपने बनाए हो चाहे ना बनाए हो, इस बात को आज ही यहाँ पे माइंड में सेट कर लीजिए। वो छोटे बच्चों की तरीके आप मोटी मोटी कॉपी रजिस्टर बना बना के, उसमें नोट्स बना बना के, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिख करके, फिर परीक्षा के टाइम उसको दोहरा करके, अगर इस तरीके से आप सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप ये समझ लो कि आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं आएगा। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, तो वही चीज़ हो जाएगी, घोड़े और गधे वाला काम है ना, घोड़े और गधे वाला काम हो जाएगा, कि घोड़ा स्मार्ट तरीके से जोड़ेगा, गधा जो है थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है, करता वो भी काम है, लेकिन तो आपका वही अंतर हो जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी थ्योरी को कवर करिए। नहीं किसी का चैनल देख रहे हो तो कोई बुक ले लो, आप कोई बुक ले लो, जैसे आपने बुक ले ली, आपने कोई भी बुक ले ली, मैंने कहा यूथ की बुक आपने ले ली, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिए गए, आपने एक सेट उठाया, 30 क्वेश्चन आपने करे, तो 30 क्वेश्चन में कम से कम 30 क्वेश्चन में आपके समझ लो 60-65 पॉइंट आपके वहाँ पे आपको मिलेंगे, जो सीटेट के लिए रामबाण होंगे। उन पॉइंट को अगर आपने नोट कर लिए, जो पॉइंट उनमें से आपको नहीं समझ में आए उनको आप हल्का सा पॉइंट आउट कर लेते हैं अपनी बुक में ही, कि भाई वाइगोत्स्की से रिलेटेड ये पॉइंट एग्जाम में पूछे जाने हैं इस बार, तो इन पॉइंट को हम जब भी दोबारा पढ़ेंगे तो इन पे थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, इनको हम देख लेंगे दोबारा, है ना।
तो फिर ये तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। फिर वो आपके आगे बच्चा बिल्कुल बेकार होगा जो बहुत ज़्यादा नोट्स बना करके पढ़ रहा है या बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ रहा है, वो आपके आगे कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन आप देखोगे आंसर, क्वेश्चन देखोगे आंसर, थ्योरी वाले के माइंड में क्या होगा, थ्योरी पढ़िए, फिर घंटे भर वो थ्योरी में घुसेगा, फिर वो क्वेश्चन में आएगा, और क्वेश्चन से जब थ्योरी आप पढ़ोगे तो आपका एक लेवल बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये आपको एक मैंने बता दिया, शायद ज़्यादा मैंने बातें बता दी, बहुत देर तक डिस्कस कर दिया, लेकिन सच यही है, जब सच चीज़ आपको बताई जाती है तो चीज़ें आपके सामने ज़्यादा डिस्कस करी ही जाती हैं। आगे अगर हम बात करते हैं 120 प्लस लाने का रामबाण क्या होगा, बस यही एक रामबाण है कि आप अपने चार सब्जेक्ट जो हैं वो इतने अच्छे कर लीजिए, जैसे कि मैथ कर लीजिए, CDP कर लीजिए, मैथ्स कर लीजिए, EVS कर लीजिए, और इसके अलावा आप अपना क्या कर लीजिए, हिंदी। ये चार सब्जेक्ट पेपर वन में आप बहुत अच्छे कर लीजिए, आप इतनी गजब की तैयारी करो, इतनी गजब की तैयारी करो कि लगभग इसमें 25 से कम नंबर किसी में आने ही नहीं चाहिए, 25 से ज़्यादा नंबर जरूर आ जाए, 25 से कम नंबर किसी में नहीं आनी चाहिए, इस तरीके की तैयारी आपकी होनी चाहिए। ज़्यादा फोकस आपको इन चार सब्जेक्ट पर ही देना है, इन चार सब्जेक्ट पर अगर ज़्यादा फोकस दोगे और 25-25 आप गारंटी के साथ इसमें नंबर ले आते हो तो 100 नंबर आपके यहीं हो जाएंगे। 25 से कम होने नहीं चाहिए, 25 से ज़्यादा आपके नंबर आने चाहिए, तो आप CDP हो गई, हिंदी हो गई, EVS हो गई, है ना, इसके अलावा मैथ हो गई, तो आप इन सब में अगर थोड़ा भी दिमाग लगा के पढ़ते हो तो आप 30 में 30 नंबर ला सकते हो, तो 120 नंबर तो आपके यहीं से हो जाएंगे। नहीं भी 120 नंबर होंगे तो मैं कहता हूँ 110 नंबर आपको 100% ये चार सब्जेक्ट ही दिला देंगे। फिर बात आती है आपके इंग्लिश की और संस्कृत की। देखो इंग्लिश और संस्कृत में आपको मेहनत थोड़ी सी कम ही करनी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, संस्कृत बहुत अच्छी है तो उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, दोनों कोई भी आपकी नहीं अच्छी है फिर भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चन करिए, थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़िए, आपको जो प्रैक्टिस कराई जाएगी वो करिएगा, घसीट पसीट के आप जो है इसमें 10 प्लस नंबर ले आओगे, 10 प्लस नंबर आप ले आओगे, इसमें आपने मेहनत भी करी कम करी और वो चार सब्जेक्ट में आपने बेहतरीन मेहनत भी कर ली, तो वहाँ से आपके नंबर 120 तक कवर हो गए, नहीं 120 तो 110 तक तो 100% आने ही आने हैं, फिर 10 प्लस इसमें आ गए तो 120 प्लस नंबर आपके आ ही जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो एक तो पॉइंट आपको ये नोट करना है, मतलब आप अपने माइंड में रखिए इस तरीके से तैयारी। अब अफवाहों से किस प्रकार की अफवाहें से दूर रहें, देखो बहुत से मार्केट में वीडियो पड़े हैं, पता नहीं क्या क्या उसमें लिख देते हैं थंबनेल में, NCTE ने ये बदल दिया, अब CTET के लिए ये हो गया, अब CTET के लिए वो हो गया, अरे भाड़ में जाए CTET के लिए क्या हो गया क्या नहीं हो गया, CTET का फॉर्म आएगा, हमें CTET का फॉर्म फिल करना है, अपना परीक्षा देनी है, अपना रिजल्ट लेना है, CTET वालों ने ये कर दिया, CTET वालों ने वो कर दिया, CTET वालों की मम्मी बीमार हो गई, CTET वालों ने बैठक कर दी, CTET वालों ने फलाना कर दिया, CTET वालों ने धमाका कर दिया, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देनी, ठीक है। मैं तो देखता हूँ कभी कभी ऐसे जैसे ओपन कर देता हूँ तो अपने अलावा जैसे बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ तो उसमें इतना बेहतरीन तरीके से लिखेंगे और ऐसा चेहरा बना देंगे और हाँ करते हुए कि बस मतलब जो CTET देने वाला है वो थोड़ा सा परेशान हो जाए और मार वीडियो देख ले, और उसमें जब वीडियो देखेंगे तो क्या होगा, सकता है सकता है सकता है, हर बात में सकता है, हो सकता है, हो सकता है, जब हो ही सकता है तो बता क्यों रहे हो, क्यों बता रहे हो सकता है, होना होगा तो हो जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज बहुत आती है, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपकी परीक्षाओं से रिलेटेड आएंगे, ऐसा ऐसा लाल लाल थंबनेल बना लेंगे। मैंने भी एक दो वीडियो बनाए थे जब स्टार्टिंग में, मुझे लगता था कि ऐसे वीडियो ज़्यादा देखे जाते हैं, तो ब्रेकिंग न्यूज ऐसे वहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज और घंटे भर उसमें बातचीत करेंगे दुनिया भर की और फिर लास्ट में आपको पता कुछ नहीं चलेगा उससे। तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है, इन सब चीज़ों से दूर रखना है। इससे अच्छे क्या है, फेसबुक पे आपको कोई CTET से रिलेटेड ग्रुप मिल रहा है, आप उसमें क्वेश्चन अपलोड पोस्ट किए जा रहे हैं उसका आंसर वहाँ पे कर दीजिए, जितनी देर ये बकवास वीडियो देखते हैं उससे अच्छा वहाँ पे क्वेश्चन कर लीजिए, या फिर कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो है आपके लिए क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं तो उनको आंसर कर दीजिए, वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ना कि ये सब फालतू की चीज़ें देखने का। तो हो सकता है आज की बातचीत थोड़ी लंबी हो गई हो, लेकिन हो गई है तो हो गई है, जब इतने सारे वीडियोज आपके लिए पढ़ाई के लिए बनाए जाते हैं तो ये सारी बातें भी करनी जरूरी हैं। तो आई होप आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी, अगर और किसी चीज़ में आपको डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, किसी प्रकार की CTET में आपको हेल्प चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको किसी प्रकार के नोट्स चाहिए, किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए, कोई बातचीत करनी है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, जिस प्रकार से हो सकेगा मैं आपको उसकी जानकारी ज़रूर दे दूँगा।
बाकी लगातार अपने चैनल पर मेहनत करी जा रही है आपके सीटेट 2022 के लिए। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ अपने चैनल के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लोग जानें, विश्वास करें मुझ पर, मैं चीज़ें लोगों को अच्छी दे सकूँ, फालतू की जगह लोग परेशान ना हो। तो इसके लिए मैं अपनी 100% मेहनत कर रहा हूँ। आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिए, आपको सीटेट का रिजल्ट 100% मिल जाएगा। आप देख लोगे कि हाँ, जो पढ़ाया गया वो आपके एग्ज़ाम में आया, जो मेहनत मैंने साथ में करी है वो आपको उसका रिजल्ट मिल गया है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बस इतनी ही बातें बतानी थी। इसी तरीके से बीच बीच में थोड़ी सी बातें मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए हो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ में हमारे चैनल पर जो 500 क्वेश्चंस की सीरीज चलती है उसमें लाइव टेस्ट में जरूर आया करिए। बहुत हेल्प होगी आपकी, बहुत चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।